भोपाल को मेट्रो ट्रेन की सौगात मिल गई है। तो सीएम कमलनाथ ने 27 किलोमीटर के दो कॉरिडोर वाले मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है। हालांकि मेट्रो को पटरी पर दौड़ने में अब भी करीब 3 साल लगेंगे। तो वहीं इसी के साथ मेट्रो पर सियासत भी शुरू हो गई है और इस योजना का श्रेय लेने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों में होड़ मच गई है। बड़े तामझाम के साथ कांग्रेस ने मंच सजाकर भोपाल मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। शिलान्यास कार्यक्रम में सीएम कमलनाथ मौजूद रहे, दिग्विजय सिंह भी मौजूद रहे और तो और कांग्रेस के तमाम मंत्रियों की मौजूदगी में बीजेपी से भोपाल मेयर आलोक शर्मा भी दिखे। लेकिन आमंत्रण के बाद भी नहीं पहुँचे तो वो थी भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह। वैसे जिस बात का अंदेशा था मंच पर वही हुआ, क्योंकि 15 साल रही बीजेपी की सरकार में मेट्रो प्रोजेक्ट की नींव रखी गई थी। इसलिए जैसे ही बीजेपी से भोपाल के मेयर आलोक शर्मा ने मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को लेकर पीएम मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को श्रेय देने का जिक्र किया तो कांग्रेस कार्यकर्ता भड़क कर चिल्लाने लगे। लेकिन इस श्रेय लेने की होड़ में बीजेपी के मेयर के शब्द जैसे कांग्रेस के दिग्गजों को भी चुभ गए। इस अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी बधाई देना चाहता हूं, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने भोपाल मेट्रो रेल परियोजना को केंद्र से स्वीकृत कराने में विशेष रुचि दिखाई। मैं इस अवसर पर भोपाल की 23 लाख जनता की ओर से बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को, जिनके अथक प्रयास से के कारण ही आज भोपाल की जनता को मेट्रो ट्रेन मिल रही है। बारी आई सीएम कमलनाथ की बोलने की तो उन्होंने मेयर आलोक शर्मा पर पलटवार करने में देर नहीं की। कमलनाथ ने बीजेपी मेयर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जो भी पैसा अभी तक आया है उनकी केंद्रीय मंत्री रहने के दौरान ही आया। आलोक शर्मा जी, ये उस समय आया है मेट्रो के लिए जब मैं केंद्र में मंत्री था। मैं तो आपसे निवेदन करूंगा आलोक शर्मा जी, आप यहाँ के मेयर हैं, आपका बहुत वजन है दिल्ली में, आप भोपाल की मदद करिए। आप केंद्र के पास जाकर कितना पैसा ला सकते हैं आप पैसा लाइए। इससे जो हम सोचते हैं 4 साल में बन जाएगी, शायद 3 साल में ही बन जाए। जब बात आई भोपाल मेट्रो रेल के नामकरण की तो नामकरण को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया। 7,000 करोड़ रुपए की लागत की भोपाल मेट्रो रेल परियोजना के शिलान्यास समारोह में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इसका नाम परमार राजा भोज के नाम पर भोज मेट्रो करने की घोषणा की। तो इस बीच कांग्रेस के स्थानीय विधायक आरिफ मसूद ने मंच से ही अपनी सहमति जता दी। और आज के दिन सब जगह हम देखते हैं दिल्ली मेट्रो का नाम दिल्ली मेट्रो, बेंगलोर मेट्रो का नाम बेंगलोर मेट्रो, भोपाल मेट्रो का नाम भोज मेट्रो होगा, भोज मेट्रो होगा। ये भोज मेट्रो नोट कर लेंगे, भोपाल मेट्रो का नाम भोज मेट्रो कराई जाएगी। दादा भाई, मैं तो हाथ जोड़ कर अनुरोध करूंगा कि भोपाल को भोपाल मेट्रो दे दो, राजा भोज के नाम से बहुत कुछ कर लेंगे। हालांकि इस दौरान कमलनाथ की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन सियासत तेज हो गई है। वहीं कार्यक्रम में भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह की गैर मौजूदगी भी इस दौरान चर्चा में रही। जब इस बारे में दिग्विजय सिंह से पूछा गया तो उनका जवाब साफ था कि उन्हें बुलाया गया लेकिन वो नहीं आए। आमंत्रित तो किया गया था उनको, शायद कहीं व्यस्त होंगे। बहरहाल भले ही एक तरफ तो भोपाल की जनता को मेट्रो की सौगात मिलने की आधारशिला रख कर खुश होने का मौका मिल गया हो, लेकिन 15 साल बीजेपी के सत्ता परिवर्तन के बाद 9 महीने की कमलनाथ सरकार में आगे बढ़ते काम भी सियासतदारों की नजरों में आपसी टकराव पैदा कर रहे हैं।
R9 TV के लिए भोपाल से विपिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट।